दोस्तों हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर फिल्म से फेमस हुई अभिनेत्री एमा वॉटसन के बारे में, जिन्होंने फिल्म में हैरी की बेस्ट फ्रेंड और एक बहुत ही समझदार स्टूडेंट का रोल किया था। सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक है और अपने फिल्मी करियर में इतने व्यस्त और आगे होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अपने पैशन को पहचान लिया और उसके लिए काम करती रही। फिर किस्मत ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया जिसका फायदा उन्होंने अपनी काबिलियत से उठा लिया और आज दुनिया की फेमस एक्ट्रेस हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में शुरू से जानते हैं। दोस्तों एमा का जन्म फ्रांस की राजधानी पेरिस में 15 अप्रैल 1990 को हुआ था। उनके माता पिता दोनों लॉयर हैं। उनका एक छोटा भाई भी है। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उनकी माँ उन्हें और उनके भाई को लेकर इंग्लैंड शिफ्ट हो गयी। 6 साल की उम्र में वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक थिएटर स्कूल ज्वाइन किया और पार्ट टाइम में एक्टिंग सीखी। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने एक पोयम को इतने अच्छे से एक्टिंग करके कहा कि वो पोएट्री कंपटीशन जीत गईं। उन्होंने कई नाटकों में भी एक्टिंग की है। जिस थिएटर में वो एक्टिंग सीखती और करती थी वहाँ के टीचर्स ने उन्हें बताया कि बेस्ट सेलिंग नॉवेल हैरी पॉटर की पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन के ऊपर एक फिल्म बन रही है जिसमें रोल के लिए लगभग तुम्हारी उम्र की एक लड़की चाहिए, और ऑडिशन लेने वाले लोगों से एमा का परिचय भी करवाया। इस रोल के लिए 8 बार एमा का ऑडिशन लिया गया। बुक की लेखिका जेके रोलिंग भी फिल्म के बनने में पूरी तरह एक्टिव थी और वो ऐसे पात्रों को लेना चाहती थी जो कि उनकी कहानी के लिए बिल्कुल फिट बैठे। उन्होंने हरमाइनी के रोल के लिए पहले स्क्रीन टेस्ट से ही एमा वॉटसन को पसंद कर लिया था। रोल पाने में वो कामयाब रही और नवम्बर 2001 में जब फिल्म रिलीज हुई तो जबरदस्त रूप से सफल हुई। फिल्म को 3 एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया और एमा सिर्फ 11 साल की उम्र में एक चाइल्ड सुपरस्टार बन गई। उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज की बाकी फिल्मों में भी काम किया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपने आप को सिर्फ उसी एक इमेज से निकालना चाहती थी, इसलिए 2007 में उन्होंने एक फिल्म बैलेट शूज में लीड रोल किया जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अपनी शूटिंग में व्यस्त रहने के बावजूद वो हर रोज 5 घंटे ट्यूशन लेती थी और अपने हाई स्कूल एग्जाम में मेहनत करके उन्होंने अपने सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड हासिल किए। 2014 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। हैरी पॉटर सीरीज के खत्म होने के बाद भी उन्होंने कई फिल्में की जिनमें ब्यूटी एंड द बीस्ट सबसे सफल रही। अपने फैशनेबल सेंस के लिए एमा फैशन इंडस्ट्री में भी काफी पॉपुलर हैं। वो मॉडलिंग भी करती हैं। एमा एक सोशल वर्कर भी हैं और आजकल कई जगह पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक करती हैं। 2014 में ही वो यूएन वुमेन गुडविल एम्बेसडर बन गई जिसमें वो जेंडर इक्वालिटी और शिक्षा के समान अधिकार के लिए काम करती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एमा वॉटसन की। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।